सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। वाह लोग कैसे हैं सारे। चलो अभी मैं जा रहा हूँ आप लोगों को लेके अपने साथ वही जहाज वही जो वही जगह जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, टाटा के सर्विस सेंटर में जा रहे हैं हम लोग। ठीक है चलो देखते हैं इस बार कैसा एक्सपीरियंस रहता है। 16,000 चल चुकी है गाड़ी, 15,000 सर्विस होनी थी, 1,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गई है, वो भी आना आगे पीछे होते होते, मतलब क्योंकि इनकी तरफ से कोई कॉल था नहीं, लेकिन मुझे तो सर्विस करवानी थी, उस चक्कर में नंबर निकालते निकालते सेटिंग बिठाते जो है इतना टाइम लग गया। अब लग गया तो लग गया, कोई बात नहीं, किलोमीटर चल गई। अब जाते हैं सर्विस करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। लेट्स सी, एंट्री लेते हुए हम सर्विस सेंटर के अंदर और लेट्स सी कितना टाइम लगता है। इस टाइम पे 9:30 हो चुके, सॉरी 10 बज गए, सॉरी एग्जैक्ट 10 बज रहे। तो अभी यहाँ नोट डाउन करेंगे, एंट्री करेंगे। सर्विस सेंटर है और सबको गाड़ी पसंद आई है। पसंद आई भी आपको भी गाड़ी? बढ़िया। आपको कैसी लगी भैया? बढ़िया लगी। तो गाड़ी के लुक्स कुछ ऐसे हैं, गाड़ी कवर थी जो दिन से ज़्यादा गंदी हो रखी है, बट साफ ही रखता हूँ मोस्टली। लेट्स सी कैसा रिस्पॉन्स रहता है 15,000 की सर्विस के बाद। पहले अपनी गाड़ी का इंस्पेक्शन होगा, कितनी जो है क्या 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 चीज़ें होनी है। भैया पहले चेक कर रहे हैं गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें, मतलब पॉसिबिलिटीज़ है कि मतलब कोई लगी वगी ना हो, पहले जो चीज़ें बता देते हैं जैसे फ्यूल टैंक कितना फ्यूल अप है और काफ़ी कुछ चीज़ें, दो तीन चीज़ें वो भैया यहाँ पर चेक करेंगे। सो यहाँ अपनी गाड़ी के अंदर ना इंजन ऑयल हो गया, काफ़ी कुछ चीज़ें, इंजन ऑयल वगैरह है, बहुत सी है, सस्ती है सर्विस, तो कोई इश्यू नहीं है, बट इसकी अलाइनमेंट बैलेंसिंग वगैरह यहाँ नहीं हो पाएगी क्योंकि ये कह रहे हैं टायर अप साइज है वगैरह वगैरह, गाड़ी देख लो। और वॉशिंग के लिए HPI का फिल्टर है तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ अपनी गाड़ी अब लग गई है रैफ पे, उठा के इसका इंजन ऑयल वगैरह यहाँ पे होगा चेंज मे बी। यहाँ पे अपनी गाड़ी के अंदर ना स्कर्टिंग लगी हुई है साइड में देख रहा हूँ, जिस पर जो कि अंडर प्रोसेस है इस टाइम पे, उसकी वजह से भैया को बड़ी दिक्कत हुई है। गाड़ी को स्टेयरिंग काट काट के भैया ने इस चीज़ को अंदर किया है गाड़ी को पुल अप करने के लिए, मेहनत तो लग गई है भैया की भी। चलो इस चीज़ का थोड़ा देखना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम से। थर्ड सर्विस यूजुअली ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। सबसे ज़्यादा अच्छी बात पता है क्या है, मैं सोच रहा था कि थोड़ा अच्छा सा सामान सामून डालूँ गाड़ी के अंदर, इंजन ऑयल वगैरह, लेकिन ज़्यादा एक्सपेंसिव ही नहीं है यार, मतलब 2200 रुपये का है, सिंपल सोबर सा यार, मुझे लगा था अच्छा खासा होगा एक्सपेंसिव, लेकिन है नहीं उतना। और ये गाड़ी बहुत गंदी हो गई है, कवर कर रखी थी बारिश वूरिश में, अभी आगे अपना जो इंजन ऑयल का काम स्टार्ट हो जाएगा, ज़्यादा देर काम भी नहीं है, अपने ऐसे ही फ्री हो भी जाएंगे। यहाँ पे गाड़ी गई है ऊपर अप और यहाँ पे सारा काम जो है इंजन ऑयल का, सारा इंजन ऑयल वगैरह यहाँ पे जो चेंज हो जाएगा, उसके बाद ऐसा गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे लगा था 15,000 चल गई है तो कोई दिक्कत होगी। यह इंजन ऑयल हो रहा है गाड़ी से आउट, अपनी गाड़ी की सर्विस हो रही है। भैया ने मीटर से ना एक वो आता है सर्विस करके ना ब्लिंक करता है, तो वो एक नोटिफिकेशन होती जो आती रहती है, भैया ने वो भी यहाँ से मीटर से हटा दिया है, मतलब तरीका होता है इनका अपना, इनको आइडिया नहीं है बट हट गया है। ये अपना AC फिल्टर है जिसकी वजह से हवा ही नहीं आ रही थी। हाँ भैया गंदा और रखा होगा ना, पूरा जाम है इस टाइम पे ना भैया, तो ऐसे ये चीज़ जब बंद जम जब जब इसमें डस्ट जम जाती तो हवा आती नहीं है बिल्कुल भी, हाँ वही हुआ था मेरे साथ, इसमें हवा आनी एकदम बंद हो गई थी गाड़ी के अंदर। चलो ठीक है भैया, भैया मुझे समझा रहे हैं किस तरीके से जो है मैं अपने AC फिल्टर को क्लीन कर सकता हूँ। ठीक भैया, हाँ जी हाँ जी ठीक। यहाँ हमारे कुलदीप भैया ने पूरा AC का फिल्टर कर दिया है प्रॉपरली क्लीन, अब तो हवा जाएगी ना। चलो ये अब हमारी गाड़ी का AC फिल्टर हुआ क्लीन, चलो हवा हवा अच्छे से आ जाएगी, अब और क्या चाहिए, गाड़ी बहुत गंदी हो रही है पर देख लो, चलो कोई नहीं। सो यहाँ पे अपनी गाड़ी पे जितना मैकेनिकल जॉब होना था, एयर फिल्टर ऑयल वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे चेंज चेंज हो गई है। एयर फिल्टर नहीं वो वाला फिल्टर क्या कहते हैं AC फिल्टर, वो सारी चीज़ें हो चुकी है, अपनी गाड़ी जा रही है वॉशिंग पे। मेन इशू मेरा वॉशिंग का ही था, इसके अंदर HPI का फिल्टर लगा हुआ है तो जिसकी वजह से मैं जो उसको मतलब ऐसे वॉश नहीं करवा सकता नॉर्मल, तो मेरे को जाना पड़ेगा इसके साथ। और मैंने भैया ने मुझे पन्नी भी दी है, पॉली बैग भी दिया है, जिससे कि मैं अपने HPI के एयर फिल्टर को जो है ना पूरी तरह कवर कर लूँगा। वो रही अपनी कार सामने खड़ी है, आवाज़ कर रही है, ठीक है सुन ली। अभी पूरी लाइन वॉशिंग के लिए है, पूरी यहाँ से घूम के वहाँ से गाड़ी आउट हो रही है, सामने से वहाँ से गाड़ी आउट हो रही है, तो मुझे लग नहीं रहा कि वॉशिंग कराने के लिए इतनी देर वेट करना वर्थ है। चलो एक बार देख रहता हूँ कितनी देर लगती है, उसके बाद देखूँगा सोचूँगा करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ। यहाँ पर आ रही है अपनी गाड़ी बाहर, हो गई है ऑन, वॉशिंग के लिए जा रही है, मतलब बेसिकली थोड़ा रिक्वेस्ट करी है मैंने।
अब आप लोग बोलेंगे कि अपनी गाड़ी तुमने लाइन से बीच से निकाल ली और पहले वॉश करा ली। भाई मैं इतना बताना चाहूँगा, जो गाड़ियाँ लाइन में खड़ी ना इस टाइम पे, ये गाड़ियाँ आज के दिन नहीं जानी होती, एक दो दिन बाद जानी होती है। सो यहाँ पे अपनी गाड़ी आएगी बाहर, मतलब वॉशिंग कराएंगे। थैंक यू। डबल साइलेंसर बोल रहे हैं सबके सब, डबल साइलेंसर। यहाँ पे गाड़ी वॉशिंग के लिए तो आ गई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा नीचे से लगने के चांस ज़्यादा लग रहे हैं, तो मैंने इनको बोला उल्टी करके चढ़ा लो। यहाँ पे भी यहाँ तो लगने के चांस इतने एज एस इतने तो नहीं लग सकते, मतलब इतना पॉसिबल तो नहीं है कि लग जाए नीचे, इतनी नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन समाज भाई, भाई आपका नाम क्या? दीपक। दीपक भाई, भाई के पास भी ऑल्ट्रोज है। अच्छा आप चैनल वाले देखते हो हमारा भी ना? देखते रहे मिला मैं अंदर। तो वो रही अपनी गाड़ी, आपकी भी गाड़ी की सर्विस है? सेकंड सर्विस है। कोई दिक्कत आई गाड़ी में? आई है तो बताओ ना। ये मतलब बीच में इसका इंजन लाइट, चेक इंजन लाइट वाली जलने लग गई थी। अच्छा। तो लोड नहीं ले रही थी गाड़ी बिल्कुल भी, मतलब वही वाइब्रेट बहुत ज्यादा कर रही थी न्यूट्रल पे भी, ठीक। और पीछे रिवर्स लेते समय तो बार बार बंद हो जा रही थी, बंद हो रही थी। अच्छा। तो वो मैंने लोकल मैकेनिक को दिखाया था, तो उसने बोला इंजन में मॉइस्चर आ गया, मॉइस्चर आ गया था, तो उसने कुछ करा था, उसके पिस्टन से कुछ चेंज करा था, मतलब इंटरचेंज। समझ गया मैं। हाँ। तो फिर उसके बाद चलते चलते अपने आप ठीक हो गई थी। मतलब कुछ खर्चा कितना आया था आपका उसमें? उसमें तो उसने 100 रुपए में, 100 रुपए में कट जाता। चलो मतलब और उसके बाद कोई दिक्कत तो नहीं? उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वही पीछे वाले शॉकर आवाज कर रहे थे, आवाज कर रहे शॉकर इसके। अच्छा। तो ये कहां ले जा रहे गाड़ी चेक करने के लिए? ये अभी वॉशिंग करा रहे हैं। तो वॉशिंग करा रहे गाड़ी, वॉशिंग कराने के बाद सेकंड सर्विस करेंगे। सेकंड सर्विस होनी, सेकंड सर्विस में मेरे का कितना टाइम लग गया आपको? सेकंड अभी करी नहीं है, अभी तो बस वो ने शॉकर का करा है। शॉकर देखे आपके में वो और भी दिक्कत थी ना, इसलिए वो चेक भी कर रहे थे। वो करा अभी, कह रहे कि वॉशिंग करा के सेकंड सर्विस कर दे। चलो बढ़िया है, बढ़िया। कह रहे 4 बजे तक रुकना ही पड़ेगा। 4 बजे रुकना ही पड़ेगा। अपनी गाड़ी लग गई वॉशिंग पे, लेट हो गया पूरा थर्ड सर्विस अभी। हाँ सर्विस वगैरह अपनी पूरी हो चुकी है कम्प्लीट, बस अब वॉशिंग रह गई है। तो आप बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मेरा तो बढ़िया रहा, भैया से मिलके मजे आ गए। नेचर बहुत बढ़िया भैया का। मेरा भी एक्सपीरियंस सही रहा, मतलब इस बार अच्छा है सर्विस का एक्सपीरियंस। इस बार अच्छा है, इस बार अच्छा है। बस सर्विस में भाई 6 घंटे लगे थे, 5 मिनट में देख के भगा दिया। गाड़ी सही है जाओ। पर लेकिन अभी सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस है और अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी देखते हैं अपनी गाड़ी की बारी आ गई अंदर आने की। मेरा थोड़ा डाउट है आगे से तो नहीं, पीछे से डाउट है लगने का। चलो गाड़ी की सर्विस हो रही है और गाड़ी के साथ ही हूँ, छोड़ूंगा नहीं। गाड़ी की सर्विस में उसके साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे पेशेंट के साथ जैसे नर्स या डॉक्टर रहते हैं, उस तरह गाड़ी के साथ हम भी रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करना। सो मेक श्योर जब भी HPI का फिल्टर अगर आप भी यूज़ कर रहे हो तो इस तरीके से कवर ज़रूर करें। भैया ने भी कवर कर दिया बढ़िया से, इसको पन्नी और बना रहे हैं ऊपर से, ताकि मेक श्योर हो जाए कि हर एक चीज़ में दिक्कत ना हो। एक्चुअल की में अच्छी तरीके से हो गई, नीड है गाड़ी को, काफ़ी चल चुकी है तो ये चीज़ तो होनी होनी, और उसी इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी था। गाड़ी की इंजन पे हो गई क्लीनिंग पूरी, अब गाड़ी की बॉडी के ऊपर बात आ गई है, तो बॉडी क्लीन प्रॉपरली हो रही है इसकी। अभी गाड़ी को जो है ऊपर पूरा उठाएंगे इसको, लेट्स सी। कोने कोने से भैया ने सारे डस्ट निकाल दिए अंडर के अंदर पूरा, और ये भैया ने स्टार्ट कर दी फॉर्म वॉश सर्विस सेंटर पे भी होने लग गई है, मुझे आज ही पता लगा। चलो सही है, कहीं पे भी पीछे नहीं रहना चाहिए हम लोगों को। फॉर्म वॉश होती है आपको पता था? मेरे को भी नहीं पता था। मेरे को भी आज ही पता लगा। और अब गाड़ी को उठा रहे हैं ऊपर, ताकि गाड़ी को जो है प्रॉपरली नीचे से भी पूरा प्रेशर पानी से जो है क्लीन कर ले। चलो। और यहाँ पे फ्रंट पे ग्राउंड क्लीयरेंस काफ़ी कम होती हुई, बट स्टिल ठीक है, लगी नहीं है, ठीक है। सो भैया अच्छा होगा तो अच्छा बोलेंगे, बुरा होगा तो बुरा ही बोलेंगे। देखो जो भी एक्सपीरियंस मेरे साथ रहता है मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने इंस्टाग्राम पे जो है डाला हुआ था कि
आपको क्या लगता है कितने सर्विस के चार्जेस लगे होंगे मेरे? तो उसमें कई लोगों के मैसेजेस आए थे जो कि कुछ ये थे, आप लोगों को स्क्रीन पे साइड में नजर आ रहे होंगे। अगर आप लोगों ने मैसेजेस नहीं करे तो अगली बार से ना इंस्टाग्राम स्टोरीज के रिप्लाई जरूर किया करो, मैं कहीं ना कहीं वीडियोज में जरूर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी बस इतना बोलना चाहूंगा कि पहले जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत बेकार था, मैंने आप लोगों का शेयर किया। अब इस बार काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा प्रेम जी के साथ। ऐसा नहीं है कि अगर एक्सपीरियंस बुरा होगा तो मैं आपको बताऊंगा, अगर अच्छा भी होगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बिल्कुल करूंगा। तो इस बार मैंने बिकॉज साइन किए गए थे प्रेम जी, उन्होंने काफी अच्छे तरीके से डील किया, बढ़िया से काम कराया। मैंने उनको साफ बोला भैया पहले मेरा आपका आपके साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो उन्होंने मेरे को जो है अच्छे से ट्रीट किया, मतलब बढ़िया से काम कराया सारा। मतलब इस बार मैं ना हाईली सेटिस्फाइड होकर आया हूँ ऑटोविकास से, ठीक है। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा। और सेकंड थिंग, अब आप में से कई लोग वेट कर रहे होंगे कि मेरे कितने अमाउंट लगाया, कि मतलब सर्विसिंग मेरे कितने पैसे दिए, ठीक है। कई लोगों ने इंस्टाग्राम पर रिप्लाई किया 10 बोला, 8 बोला, बोला 8 बोला, बट एक्चुअल अमाउंट पता है कितना, मैं दिखाता हूँ। पहले मैं पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक्चुअल अमाउंट बताऊंगा, ठीक है। तो पहले मैंने जो अपना एक्चुअल अमाउंट पे किया है वो है 3,073 रुपीज़, बस 3,073 रुपीज़ मैंने पे करे, ठीक है। जिसके अंदर एक्चुअल अमाउंट था 2,600 रुपये जो मैंने पे किया है, उसके अंदर जो टैक्सेस लगे 468.84 का टैक्स लगा है, ठीक है। तो उसके बाद टोटल अमाउंट लगता है जो हमने पे करा है, ठीक है। और मैं आपको दिखा दूँ मेरी गाड़ी में क्या क्या चीज़ें डली है। तो ये अपनी कुछ जो है इस तरीके से दिखती है, जिसमें मैंने ऊपर की तरफ छुपा लिया, जिसमें मेरा मेन वो था। मेन देखो भाई, ये इंजन ऑयल है 2,019 रुपये का। बाकी उसके बाद जिसने भी एयर फिल्टर वगैरह क्लीनिंग किया तो ये है 200, 300, 700, 400, मतलब ये पैसे उसी के ही है, ठीक है। और एक ये हमारा बिल है जो आपको बता रहा था मेरा आया है, ये देख लो, ये 3,073 रुपीज़ का बिल मेरा जो है यहाँ पे आया है टोटल सर्विसिंग का, थर्ड सर्विस का, ठीक है। जो कि अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि मैं जो इतनी कम जो है सर्विस का अमाउंट पे करूं। ऑल दो मैं अपने दिमाग में सोच के गया था कि मुझे मिनिमम जो है 7, 8, 9, 10 हज़ार तक की रेंज में सोच के गया था कि 10,000 तक का अमाउंट जो है मुझे शायद पे करना पड़ेगा अपनी गाड़ी की सर्विसिंग के लिए। मैंने अपने वाइपर ब्लेड भी डलवाए हैं तो वो भी थोड़े से पैसे उसके रह गए, अदरवाइज वो भी और कम होता, ठीक है। चलो मैंने इवन भैया को, प्रेम भैया को बोला कि भैया मेरे को ना इंजन ऑयल आप 2,200 का डाल रहे हो, मैं जितने का भेजा, इसको थोड़ा और अच्छा करो, अपग्रेड करो, अच्छे से अच्छा डाल दो। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि भैया ऑल्ट्रोस के लिए, हमारी पेट्रोल के लिए यही रिकमेंडेड है, यही हम डाल सकते हैं। मैं चलो ठीक है, मतलब उन्होंने हर एक चीज़ में हेल्प करी, मैंने उनसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछी भी है, काफ़ी चीज़ें उन्होंने मैंने हेल्प भी करी है। और ये लगा लो कि सर्विस सेंटर में मेरे को इतना सेटिस्फेक्शन होने की मतलब थी नहीं कि हो जाऊंगा। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि यहाँ आपको लगेगा शायद मैं कंपेयर कर रहा हूँ, देखो आफ्टर सेल सर्विस तो ऑब्वियस मारुति वाले की मुझे पसंद आती है, ठीक है। लेकिन मैं अगर बात करूँ सर्विस कॉस्ट की, यहाँ मेरे 3,100 रुपये लगे, लगा लो 3,100 ही पूरे लगे, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूँ मारुति की, तो मारुति में इज़ लाइक कि मुझे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने अपनी फर्स्ट सर्विस में जिसमें हमारा इंजन ऑयल चेंज हुआ था, मैंने शायद 8-9 हज़ार रुपये कुछ पे किया था, 7 से 9 हज़ार के बीच में कुछ पे किया था वहाँ पे। और यहाँ अपने ने सिर्फ बहुत कम अमाउंट जिसे कहते हैं ना वो पे किया, इवन ये पेड सर्विस थी मेरी, ठीक है। चलो जैसा भी था, अपना एक्सपीरियंस इस बार अच्छा रहा ऑटो विकास के साथ प्रेम जी की वजह से। तो ये स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं प्रेम जी के, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर इनकेस अगर आपको भी अपनी गाड़ी आप दिल्ली में रहते हैं सर्विस करवाना चाहते हैं। तो भैया बहुत अच्छे से साइन करते हैं, बहुत पोलाइटली बात करते हैं, मतलब बढ़िया तरीका है। मतलब कैमरे पर मैं उनसे रूबरू नहीं करवा पाया आपको, लेकिन अगर आप, लेकिन ये नंबर मैं डाल रहा हूँ, आप उन्हें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बंदे। चलो आज के लिए बस इतना ही था, आपको वीडियो पसंद आई हो, कॉस्ट वगैरह रिवील करिए आप लोगों को सर्विसिंग की कितनी आती है। बट स्टिल मैं एक चीज़ फिर से बोलूँगा कि आप मेरे को देख के आप गाड़ी मत लो, आप अपनी चॉइस के हिसाब से गाड़ी लो कि आपकी नीड क्या है, आप कैसे यूज़ करते हैं उसको, या आपकी रनिंग कितनी है। जस्ट लाइक कि मेरी गाड़ी अभी मैंने ली, आप लोगों को पता ही है, और उसके बाद ही मेरी गाड़ी ने 15,000 किलोमीटर प्लस हो चुकी है, ठीक है। तो इतनी रनिंग है मेरी गाड़ी की, तो उसके हिसाब से आप अपना सोचिए कि आपकी रनिंग कितनी, उस हिसाब से आप गाड़ी परचेज कीजिए। बाकी अगर बात करें सेफ्टी की, टाटा क्या है, ऑब्वियसली मैं तो कोई नहीं टिकता सेफ्टी के मैटर में मेरे हिसाब से, मतलब और भी गाड़ियाँ हैं मैं रनिंग कर रहा हूँ, बट ठीक है टाटा अभी तक मुझे अच्छा लगा, ठीक है। आज के लिए जितना ही था, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन जोर दोबारा नहीं, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी आपको और वीडियोस की। चलिए मिलते हैं फ्यूचर में और वीडियोस में, टिल देन।